माल के चोदो मांगो तरह बहन के चोदो महावीर चलो 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 उधर हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिर्ची ऑटो राइडर। तो गाइस आज हम अपनी GTR को लेकर जा रहे हैं। यहाँ मैं अभी आया था चेचेट में, तो हम यहाँ कोई मंदिर है, फेमस मंदिर है डेरू माता जी के नाम से, तो वहाँ कुछ घाटियाँ वगैरह भी है और पहाड़ी पर है मंदिर, तो थोड़ा एडवेंचर भी हो जाएगा और राइड भी हो जाएगी, मौसम आप देख सकते हो। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो अभी तो हमें चेचेट से निकले हैं और ये मंदिर जो है चेचेट से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है और मौसम हमारा पूरा साथ दे रहा है। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा धूप थी, लेकिन अभी जो है A few moments later और आ चुका है गाइस कुछ रिंची या रिंदी गांव, और रिएक्शन चेक करते रहो गाइस आप विलेज के अंदर क्या है, कुछ रिएक्शन देखने को मिलते हैं जब गाँव के अंदर एक सुपर बाइक की एंट्री होती है गाइस, तो क्या रिएक्शन देखने को मिलते हैं। तो अभी रिंची विलेज आ चुका है और गाँव में आप देख ही सकते हैं, गाँव का भी अब काफी बड़े बोलो सुबह के डेवलपमेंट हो चुका है गाइस। रिंची भी गांव है गाइस, रिंची नाम है इस गांव का। योर क्वेश्चन, ये शबनम का आशिक है। बवाल चीज है बे, सारा सिस्टम मिल जाता है। शादी ब्याह का कुछ फंक्शन चल रहा है अभी, और रिंची विलेज हो चुका है पार, वापस हम लग चुके हैं। रोड तो हाईवे नहीं है, लेकिन हाँ हाईवे से कम भी नहीं है, सिंगल रोड है, लेकिन रोड एकदम टपाटप है, इस पर गाड़ी सीधी 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 चलती रहे। Later. तो
गाइस हम एंटर हो चुके हैं गेट में, ये मंदिर का जो गेट है था वो यहाँ पर एंटर हो चुके हैं और मंदिर जो है पहाड़ों पर बना हुआ है। तो सामने आप देख सकते हैं मेरे कितने ऊँचे ऊँचे पहाड़ है और अब मौसम और अब दिन भी जो है ढलने लगा है धीरे धीरे, सूरज आप देख सकते हो। तो हम लेट भी हो रहे हैं लेकिन अब क्या करें, जब इतना आ ही गए हैं तो अब मंदिर पर होकर ही चलेंगे घर पर। और सामने का नज़ारा आप देख ही सकते हो, पहाड़ ही पहाड़, और मंदिर भी जो है वो पहाड़ पर ही है, पहाड़ डेरू वाली माता जी शायद दिम्बाहेड़ा पता नहीं जिन्हें क्या नाम है मंदिर का, मुझे आ नहीं रहा। अभी बोर्ड पर भी पढ़ा था मैंने लेकिन वो पढ़ाई में ही नहीं आया मेरे से, पता नहीं कौन सा है वो, तो वहाँ पर जाकर देखते हैं कौन सा मंदिर है। और ऐसा लग रहा है गाइस कि जैसे मैं पहाड़ी से नीचे उतर रहा हूँ, रड़क ज़्यादा है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि सांप जैसे रास्ते, एकदम लीन वाले रास्ते है भाई, लीन वाला रोड बना हुआ है पूरा। गाइज यहाँ से क्या नज़ारा दिख रहा है आप देखो भाई, क्या नज़ारा दिख रहा है यहाँ से, वाकई तगड़ा मज़ा है भाई यहाँ तो तगड़ा। तो ऐसा लग रहा है गाइज यहाँ पर आकर जैसे तो हम लद्दाख में आ गए हों, वही पहाड़ है सेम वही नज़ारा है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पहाड़ों पर बर्फ़ नहीं है और ना ही रोड सड़कों पर बर्फ़ है, बाकी फुल वही मज़ा दे रहा है, फुल वही फील आ रहा है जैसे तो हम लद्दाख आ चुके हैं। और वाकई में भाई अगर आप भी राइडर हो तो आप भी आओ यहाँ पर, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और मोस्टली मैं अभी शाम को आया हूँ, यही अगर मैं दिन में आता तो आई होप मुझे, तो मुझे लगता है मुझे ये फील जो अभी हो रहा है, जो नज़ारा अभी मुझे दिख रहे हैं ये ना दिखते। लेकिन आप अगर आओ तो आप भी इसी टाइम पर आना जिस टाइम पर अभी मैं आया हूँ। तो अब आने वाली है गाइस चढ़ाई, अब हमें जो है सामने आपको जो पहाड़ दिख रहा है वो पहाड़ पे जाना है और अब चढ़ाई आ चुकी है। आप देख सकते हैं पूरा रोड टेक वाला है ये,